हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से इस धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ निसान मैगनाइट के इजी शिफ्ट की सारी डिटेल्स और फीचर्स के बारे में। सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही काम की और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और साथ में दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में इसको शेयर भी कर लीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ में जो आपको बेल आइकन का बटन आपको जो दिख रहा है आप इसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली जो भी वैल्यूएबल वीडियोज़ हैं ऑटोमोबाइल से रिलेटेड उनकी जानकारी आप तक जो है समय समय तक पहुंचती रहे। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उनके जो सारे लिंक्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप नए साल पर अपने लिए कोई भी नया प्रोडक्ट आप परचेज़ करना चाहते हैं, खासतौर से निसान का, तो आप और अगर आप जोधपुर सिटी में आसपास कहीं भी रहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं कुंभट मोटर्स, जो कि निसान के डीलर हैं जोधपुर राजस्थान में। इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, और साथ में इनके जो सारा एड्रेस वगैरह है वो सारी डिटेल्स के साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाके इनसे कॉन्टैक्ट करके कोई भी निसान का प्रोडक्ट आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं निसान मैगनाइट इजी शिफ्ट के सारी डिटेल्स और फीचर्स के बारे में। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह इसकी चाबी से। कुछ प्रकार की आपको चाबी मिलने वाली है, ऊपर आपको निशान का लोगो आपको मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आप यहाँ पे चाबी में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लॉक और अनलॉक का भी आपको फीचर आपको जो देखने को मिल जाता है। तो कुछ प्रकार से आपको जो है दो चाबियाँ आपको जो है मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इसका फ्रंट का लुक आप देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन इसका जो फ्रंट का लुक आपको मिल जाता है। निशान मैगनाइट का लुक हमेशा से सबको पसंद आया हुआ है, और यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं आपको ग्रिल भी, आप पूरी पूरी ग्रिल आपको जो है ग्रेश कलर में मिलने वाली, जो कि आपको ब्लैक कलर के साथ काफ़ी यहाँ पे गजब की यहाँ पे लग रही है। बीच में आपको जो है यहाँ पे निसान का लोगो आपको मिल जाता है, और चारों तरफ ग्रिल के आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम का ट्रीटमेंट आपको जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हेडलैम्प्स आपको मिलने वाले, काफ़ी स्लीक डिज़ाइन के साथ आपको हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर आपको मिल जाता है। इसके अलावा हेडलैम्प्स के अंदर ही आप चारों तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्रोम का ट्रीटमेंट आपको जो देखने को मिल जाता है। नीचे आपको जो यहाँ पे DRLs आपको LED DRLs आपको जो देखने को मिल जाती है, और फ्रंट का लुक आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से इसका जो फ्रंट का लुक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, साइड का लुक आप देख सकते हैं, गाड़ी साइड से भी देखने में काफ़ी यहाँ पे आपको स्पोर्टी यहाँ पे नज़र आएगी। इसके अलावा दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर की। तो कलर में आप इसके अंदर आपको जो है दो ब्लू ड्यूल टोन कलर्स भी मिल जाते हैं, ब्लैक और ब्लू और ब्लैक में। इसके अलावा बाकी सभी कलर्स में आपको ये गाड़ी मिल जाती है, ब्राउन में आप लेना चाहें, ब्लैक में लेना चाहें, व्हाइट में लेना चाहें, सिल्वर में लेना चाहें, तो आपको जो है करीब करीब हर कलर में आपको ये गाड़ी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, अगर बात करते हैं इसके डायमेंशंस की, तो ऊपर स्क्रीन पर आपको इसके डायमेंशंस आपको जो दिख रहे होंगे, तो वहाँ जाके इसके डायमेंशंस जो है चेकआउट कर सकते हैं। और व्हील बेस की बात करें तो 2500 mm का आपको इसके अंदर जो है बढ़िया सा व्हील बेस मिल जाता है, जिससे गाड़ी के अंदर लेग रूम की स्पेस काफ़ी आपको अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों, इसके अलावा नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 205 mm का आपको ज़बरदस्त ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो है मिल जाता है। और वहीं अगर बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो 40 लीटर्स की आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है। डोर हैंडल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम में आपको जो है यहाँ पे डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, और यहाँ पे साथ में आपको ड्राइवर साइड में रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसको ओरवियम्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बॉडी कलर में ही पूरे पूरे ब्लैक कलर में ही आपको ओरवियम्स मिल जाते हैं, साथ में आपको LED टर्न इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। फ्रंट फेंडर में आपको हर निसान मैगनाइट में आपको आप देख सकते हैं आपको निसान मैगनाइट की ब्रांडिंग आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करते हैं रूफ़ की, तो ऊपर आप देख सकते हैं सिल्वर कलर में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको रूफ रेल्स मिल जाती है, जो कि ब्लैक कलर के साथ काफ़ी यहाँ पे स्पोर्टी यहाँ पे नज़र आ रही है। पीछे आप देख सकते हैं ऊपर आपको जो शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इसके टायर्स की, तो इसके अंदर आपको काफ़ी चौड़े आपको MRF के टायर्स आपको मिल जाते हैं। और प्रोफाइल की बात करेंगे तो 195/60 R16 इंच के आपको जो है यहाँ पे टायर्स की प्रोफाइल आपको जो मिल जाती है, और 16 इंच के ब्लैक ड्यूल टोन आपको ड्यूल टोन कलर के साथ आपको यहाँ पे ज़बरदस्त एलो व्हील्स आपको जो देखने को मिल जाते हैं, और यहीं पे बीच में आपको निसान का लोगो भी आपको जो है देखने को मिल जाता है। दोस्तों, ब्रेकिंग की बात करेंगे तो उसके अंदर आपको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक आपको मिल जाते हैं, तो कुछ प्रकार से आप गाड़ी का जो है पूरा पूरा साइड का लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पीछे देख सकते हैं रियर का लुक कुछ प्रकार से आपको मिलने वाला है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाता है, यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, और यहाँ पे आपको वॉशर और वाइपर दोनों आपको मिल जाते हैं डी फॉगर के साथ में। इसके अलावा नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको निसान का लोगो आपको मिल जाएगा, मैगनाइट की ब्रांडिंग आपको जो यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेल लैंप्स काफ़ी आपको सुंदर से डिज़ाइन के साथ आपको जो टेल लैंप्स मिल जाते हैं, स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो है रिवर्स लाइट आपको मिल जाती है, साथ में इंडिकेटर भी आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें एक आपको एक अलग चीज़ मिलेगी, यहाँ पर आपको इजी शिफ्ट की आपको जो है ब्रांडिंग आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और इसकी बात हम अंदर चल के करेंगे और बात कर लेते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सबसे बड़ी बात ये है, इसके अंदर आपको रियर कैमरा भी आपको जो है अंदर
यहाँ पे आपको रियर कैमरा भी आपको देख सकते हैं, यहाँ पे रियर कैमरा आपको मिल जाएगा चार साथ में। यहाँ पे आपको रिवर्स चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं। पीछे आप देख सकते हैं आपको सिल्वर कलर में स्किड प्लेट मिल जाती है, और यहीं पे आपको नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर्स भी आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो कुछ प्रकार से गाड़ी का रियर का लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो यहाँ से आपको स्विच मिल जाता है, आप इसको आराम से यहाँ से बूट स्पेस ओपन कर सकते हैं, बूट के गेट को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे आपको जो है आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, अपना छोटा मोटा कोई भी सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बूट स्पेस देखते हैं, काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस मिल जाती है। मैग्नाइट में हमेशा से बूट स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 336 लीटर्स की आपको काफ़ी बढ़िया सी यहाँ पे आपको बूट स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर आपको लैंप आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसको रात के समय में अगर आपको कोई सामान निकालना है रखना है तो आप आराम से यहाँ पे जो निकाल सकते हैं और रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको साथ में दोनों तरफ आपको यहाँ पे हुक्स आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है शायद, उसके वजह से आपको यहाँ पे शायद ना दिख रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे हुक भी आपको जो देखने को मिल जाएगा। स्पेयर व्हील जो है आपको नीचे की तरफ आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको एलो व्हील्स आपको जो देखने को नहीं मिलेगा। और बात करते हैं सीट्स की, तो यहाँ पे आपको 60-40 का आपको जो है रियर सीट स्प्लिट आपको यहाँ पे रेशियो देखने को मिल जाएगा। अपना आराम से, अगर आपके पास ज़्यादा लोग नहीं है तो आप आराम से सामान को जो है यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ प्रकार से इसका रियर का लुक आप यहाँ पे वापस देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप जैसे लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रंट में भी आपको जो को ड्राइवर साइड में दोनों तरफ आपको जो है यहाँ पे फ्रंट में आपको रिक्वेस्ट सेंसर आपको जो देखने को मिल जाता है। कुल मिला के गाड़ी का और आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको यहाँ पे डिज़ाइन के साथ जो है गाड़ी का मैग्नेट आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लुक के साथ आपको ये गाड़ी का लुक आपको जो देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो देख सकते हैं ड्यूल टोन कलर में ही इसका जो है अंदर का इंटीरियर आपको जो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी खूबसूरत सा अंदर का इंटीरियर आपको जो है हमें मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर साइड के डोर की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको हार्ड प्लास्टिक ऊपर की तरफ मिल जाता है, नीचे आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको चार पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, चाइल्ड लॉक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ओरियम्स के एडजस्टेबल कंट्रोल्स आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाते हैं, आप यहीं से अंदर से ही आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे एक 1 लीटर की बॉटल होल्डर की जगह मिल जाती है, और थोड़ा सा स्पेस साइड में आपको और यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके डोर के नीचे देख सकते हैं, तो चारों ही दरवाजों पर आपको यहाँ पे स्पीकर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे की गई है, आप आराम से यहाँ पे म्यूजिक सुनते हुए अपनी ड्राइविंग का मजा यहाँ पे ले सकते हैं। सीट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी आपको सीट्स मिल जाती है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिल्वर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन आपको जो यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा, जो कि अंदर के इंटीरियर के साथ काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे मैच करता है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं, और बैकरेस्ट भी काफ़ी यहाँ पे चौड़ा आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आप कंफर्टेबल होकर यहाँ पे बैठ सकते हैं। सीट को एडजस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लीवर दिए, मैनुअली आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको वो भी आपको यहाँ पे सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्यूल कैप जो है लीड ओपन करने के लिए उसका लीवर आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप सीट में देख सकते हैं, मैं आपको साथ में जो मैनुअली हाइट एडजस्ट सीट हाइट एडजस्टर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, मैनुअली इसको जो एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं चूंकि ये AMT मॉडल है इजी शिफ्ट, तो इसके अंदर आपको क्लच देखने को नहीं मिलेगा, ब्रेक और पैडल आपको एक्सीलेटर देखने को मिल जाएगा, साथ में एक डेड पैडल आपको नीचे की तरफ आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे बात देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो हेडलैम्प से कंट्रोल आप यहाँ पे लेवल चेक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का स्विच भी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ प्रकार से आप अंदर का इंटीरियर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और स्टेयरिंग की अगर सबसे पहले बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको राउंड शेप में स्टेयरिंग मिल जाता है, ग्रिपिंग काफ़ी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, और हल्का सा डी कट आपको यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे आपको यहाँ पे आराम से आप इसको पकड़ के आराम से जो है गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। बीच में आपको निशान का लोगो मिल जाएगा। और बात करते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स आपको जो यहाँ पे जो देखने को मिल जाएंगे, टेलीफोन के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। राइट साइड में आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आप अगर स्टीयरिंग की अगर हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की, तो इसके अंदर आपको सिर्फ टिल्ट पावर स्टीयरिंग के साथ आपको टिल्ट वाली जो सुविधा आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको लीवर मिल जाता है हेडलैम्प से कंट्रोल और इंडिकेटर से कंट्रोल। लेफ्ट साइड में आपको वाइपर से कंट्रोल्स आपको जो देखने को मिल जाते हैं। क्लस्टर आप देख सकते हैं डिजिटल क्लस्टर आपको जो है देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। इसके अंदर आपको बीच में आप देख सकते हैं आपको RPM मीटर मिल जाता है, यहीं बीच में आपको स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है, और साथ में आपको देख सकते हैं यहाँ पे गियर इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है कि कौन सा गियर है वो आपको देखने को मिल जाएगा। किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रिप ए ट्रिप बी आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको जो देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इंजन टेम्परेचर आपको मिल जाता है, राइट साइड में आपको जो फ्यूल गेज आपको जो देखने को मिल जाएगा, और साथ में आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आपको जो देखने को मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो टेम्परेचर है वो भी आपको जो देखने को मिल जाता है, टाइमिंग आपको क्लॉक जो है वो भी आपको जो देखने को मिल जाती है,
तो करीब करीब सारी डिटेल्स आपको जो है यहाँ पे क्लस्टर के अंदर आपको जो है देखने को मिल जाती है। गाड़ी के अंदर आपको TPMS भी मिल जाता है, जो आप अपना टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम जिसको आप कहते हैं वो भी आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे क्लस्टर में, डिजिटल क्लस्टर में आपको जो है देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बीच में टच स्क्रीन आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसमें आप सबसे पहले मैं आपको इसका रियर के कैमरे की क्वालिटी आपको बता देता हूँ। तो कुछ देख सकते हैं कुछ प्रकार से कैमरे की क्वालिटी आपको मिल जाती है, और अपना पीछे आप जो है आराम से जो है गाड़ी को बैग लेते टाइम कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती है। व्हीकल सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पार्क असिस्ट वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पार्क असिस्ट भी आपको मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको बहुत सारे जो कंट्रोल मिल जाएंगे, रेडियो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, और भी बहुत सारी व्हीकल्स के कंट्रोल्स, टेलीफोन के कंट्रोल्स। तो सारी डिटेल्स आपको जो है यहाँ पे जो है इसके अंदर आपको जो देखने को मिल जाती है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेजलनट का स्विच मिल जाएगा, जो लॉक आपका स्विच आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा पीछे का जो डिफॉगर है उसका स्विच आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी आपको मिल जाता है, चूंकि ये टॉप वाला वेरियंट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो जगह दी हुई अपना मोबाइल वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। नीचे आप देखते हैं आपको USB पोर्ट आपको मिल जाता है, और यहाँ पे 12 वाट का सॉकेट मिल जाता है। थोड़ी सी स्पेस आपको यहाँ पे और मिल जाती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। गियर्स की बात करें तो ये आपको इजी शिफ्ट वाला मॉडल है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर आपको ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन यानी AMT आपको यहाँ पे मिल जाता है। ऑटोमेटेड 5-स्पीड ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको ड्राइव करना काफ़ी यहाँ पे इजी आपको हो जाता है। आप आराम से इसको गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। और साथ में चारों तरफ आप देखते हैं यहाँ पे आपको सिल्वर की लाइन आपको जो देखने को मिल जाएगी। बीच में यहाँ पे आप देखते हैं आपको जो है दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्पेस आपको और मिल जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं अंदर आपको यहाँ पे ग्लोव बॉक्स, काफ़ी बड़ा सा ग्लोव बॉक्स आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। तो कुछ प्रकार से आप गाड़ी का जो पूरा फ्रंट का डैशबोर्ड जो लुक आप जो इंटीरियर आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं रियर की, तो सबसे पहले रियर के डोर ओपन जैसे ओपन करेंगे तो सेम टू सेम वही कॉम्बिनेशन मिलने वाला है अंदर का, जो आपको फ्रंट के डोर पर मिला था। यहाँ पे आपको पावर विंडो का स्विच आपको मिल जाता है। नीचे आपको 1 लीटर की बॉटल होल्डर की जगह मिल जाती है, और स्पीकर की प्लेसमेंट आपको नीचे की तरफ आपको जो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा केबिन में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी खासी स्पेस आपको जो देखने को मिल जाएगी। आराम से लेग रूम और हेड रूम आपको काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। सीट्स काफ़ी चौड़ी है, अंडर थाई सपोर्ट आपको पीछे भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है। बीच में आपको जो है यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, साथ में दो कप होल्डर्स आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाते हैं। अगर दो जने हैं तो आराम से कंफर्टेबल होकर आप यहाँ पे बैठकर लॉन्ग जर्नी का भी मज़ा ले सकते हैं। साथ साथ में सभी सीटों पर आपको जो सीट बेल्ट मिल जाती हैं, और सबसे बड़ी बात आपको क्वार्टर ग्लास मिल जाता है पीछे भी, जिससे आपको अंदर केबिन में घुटन महसूस नहीं होती है। जैसे आप अंदर बैठेंगे दोस्तों तो अंडर थाई सपोर्ट जैसे मैंने बताया तो अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी आपको अच्छा खासा मिल जाता है। नी रूम भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, और हेडरूम की भी अंदर कोई प्रकार की कमी आपको महसूस नहीं होगी। ग्रैबिटीज आपको जो है और हुक आपको जो है सीट्स पे आपको जो यहाँ पे जो सीटों के साथ आपको जो देखने को मिल जाएंगे। ऊपर आपको जो है यहाँ पे अंदर केबिन का जो है लाइट आपको जो है आपको नाइट लैंप आपको यहाँ पे अंदर केबिन की लाइट आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों पीछे आपको नीचे आपको कोई भी बाकी अलग आपको AC वेंट्स वगैरह जो है रियर में देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ प्रकार से आप पीछे से फ्रंट का डैशबोर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ABS मिल जाता है, ASR मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ, ऑटो डाइविंग रियर व्यू मिरर आपको मिल जाता है। साथ में आपको इसके अंदर EBD यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, हिल असिस्ट मिल जाता है, टू एयरबैग्स मिल जाते हैं, TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम्स आपको इसमें जो देखने को मिल जाता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी आपको जो इसमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको उसके अंदर सबसे बड़ी बात है डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाता है, और जो कि कंफर्ट में आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेफ्टी में आपको इसके अलावा अब बात करें तो इसके अंदर आपको रियर कैमरा मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, डिफॉगर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बहुत सारे जो सेफ्टी फीचर्स भी गाड़ी के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको B4D 1.0 999 cc का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है। पावर की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 71.01 BHP की पावर मिल जाती है, और टॉर्क की बात करेंगे तो 96 Nm का आपको यहाँ पे टॉर्क आपको जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है दोस्तों। प्राइसिंग की बात करेंगे तो प्राइसिंग आपको बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको ये गाड़ी मिल जाती है इतने सारे फीचर्स के साथ में। प्राइस की बात करेंगे तो इसका एक्शोरूम जो प्राइस है करीब ₹8,21,000, ₹8,21,000 इसकी एक्शोरूम प्राइस है, और जोधपुर राजस्थान में अगर इसकी ऑन रोड कीमत की बात करें तो ₹9,69,794 इसकी जो है ऑन रोड कीमत आपको जोधपुर में पड़ जाती है। बाकी अगर आप किसी अदर स्टेट पर रहते हैं तो वहाँ पर प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है, तो आप अपने वहाँ पर डीलर पर जाके पता कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप जोधपुर में रहते हैं राजस्थान में, तो आसपास जोधपुर सिटी कहीं भी रहते हैं
और खास तौर से आपको निसान का प्रोडक्ट अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं कुंभट निसान मोटर्स, जो कि जोधपुर में राजस्थान के निसान के डीलर हैं राजस्थान में। तो यहाँ पे विजिट करके आप कोई भी निसान का प्रोडक्ट आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। इनके जो सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और जो एड्रेस है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल के साथ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके इनसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में इसको शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ में, और मिलते हैं अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड जय हिंद।